बॉबी देवल, सनी देवल, छोटे-छोटे तब छोटे-छोटे आए थे। हाँ दोस्तों, यहीं पे रहे थे। दोस्तों तो चौंकाने वाली बात है भाइयों, दो बच्चे यहीं पे थे, उनकी मम्मा प्रकाश का, और यहीं पे बाद में दो बच्चों को यहाँ से लेके गए हैं। अच्छा, फिर मुंबई लेके चले गए थे। तो दोस्तों आंटी ने एक चौंकाने वाली बात बताई है कि धर्म पाजी के जो सनी देवल हैं उसका भी जन्म यहीं पे हुआ था, बॉबी देवल भी यहीं पे रहे, ठीक है, और वो मतलब यहाँ पे खेलते थे। आंटी है यहाँ भी आते थे, इस घर में भी आते थे। मेरी तो शादी बाद में हुई है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मेरी 67 में हुई है। जी जी बेबे, तो उनकी मदर जब आते थे घूमने तो मेरी मदर इन से मिलते थे। अच्छी हेमा मालिनी देखी है? हेमा मालिनी देखी कब देखी की थी? पीछे आई थी। हाँ जी, अच्छा इलेक्शन हुआ जी, जब आई थी लोकसभा। हाँ जी, वो रहते अच्छा गुरदासपुर में, उनका सनी देवल कुछ है, सांसद है ना, सांसद गुरदासपुर से। वो तो केड़ी जगह पे लड़े होते हैं, गुरदासपुर से, गुरदासपुर नहीं है, सनी देवल है। हाँ, पहले विनोद खन्ना था, बाद में सनी की। अच्छा, पहले विनोद खन्ना था गुरदासपुर से। दोस्तों माजी में करीब पहले विनोद खन्ना साहब थे और फिर उसके बाद सनी देवल जी बन गए वहाँ पर सांसद। आंटी ठीक है, ये देखो भाई थोड़ा सा भी चांदना हो जाएगा। वो देखो कहाँ ये भाई, ये धर्मेंद्र जी, ये अंकल जी है, ये अंकल जी। देखो ये हमारे अंकल जी हैं गिरधारी लाल जी, और मुझे एक अंकल जी ने बताया कि इनके साथ में पड़े भी हैं। और देखो भाई छप्पी पा के खड़े हैं धर्मपा जी। ये देखो दोस्तों, ये कितना पुराना फोटो है जी, ये देखो है। अच्छा अच्छा, ये कब का फोटो है, बेबी कब आए थे यहाँ? कैसे 8-10 साल पुराना फोटो है। अच्छा सनी देवल भी आए थे यहाँ? सनी देवल पाजी, सनी देवल जी वो नहीं आएगा अभी। तो दोस्तों अटल बिहारी जी, अच्छा अटल बिहारी जी के साथ में भी है जी। अच्छा अटल बिहारी जी भी मिल गए। दोस्तों ये इनका घर है जी छोटा सा, और यहाँ मुझे बताया एक ने कि यहाँ पे मिले हैं और है जी जनता पार्टी जी जी कन्वीनर थे जी जी। ये वार्ड सब हमारे अंकल जी को मिले हैं ना बाहर, ये छोटे छोटे। हाँ, ये सब मेरी बेटियों को। अच्छा अच्छा, अंकल को ऊपर के मिले हुए, ये अंकल को मिले हैं ना। ये देखो भाई सारे हमारे अंकल को मिले हैं। और ये नमस्कार भाइयों, फिर से स्वागत है कि मेरे नए ब्लॉग में। और भाइयों आज मैं पहुंच गया धर्मेंद्र जी के मकान पे, ठीक है भाइयों, मेरा जस्ट बराबर में मकान है धर्मेंद्र का। भाई धर्मेंद्र का मकान है जो है तो दोस्तों यहाँ के जो बच्चे बच्चे लोग हैं वो जानते हैं, ठीक है भाइयों। इधर से देख लो, ये है जी काफ़ी पुराना मकान जो कि हमारे धर्मेंद्र जी का है, और उस टाइम पर भाइयों वे इसमें रहते थे। सनी देवल का जन्म इसी घर के अंदर हुआ है मुझे बताया गया है भाइयों, ठीक है जी, और अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे वो इसके अंदर, ठीक है, कभी पहले रहते थे, ठीक है। वो एक बार आए यहाँ पे, फिर से कभी नहीं आ पाए, ठीक है जी। ये काफ़ी पुराना घर है जो कि मेरे सामने है जस्ट, ये देख लो भाई। और दोस्तों ये हवेली टाइप में है थोड़ा सा, ठीक है, देख सकते हैं। एक साहू जी है और ये बताएंगे मुझे, ताऊ जी धर्मेंद्र का मकान दिखा है ना, यही है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, आप धर्मेंद्र की माम से मिली हो? अच्छा, क्या नाम था उनकी माँ जी? माँ पता। अच्छा, आप मिल गई थी धर्मेंद्र की माँ से? मैं हम एक मैरिज पार्टी में। अच्छा अच्छा, धर्मेंद्र जी से मिले हो? जैसे धर्मेंद्र जी से सिर्फ उसकी माँ। अच्छा, आपके साथ पढ़े ही धर्मेंद्र? धर्मेंद्र अभी सानेवाल में जो। हाँ जी हाँ जी, यही फोटो दिखाना जी। आपके साथ फोटो भी है? आंटी तो कह रही है मेरे साथ भी फोटो भी दिखाएगी आंटी, ठीक है। ये देखो भाई थोड़ा सा भी चांदना हो जाएगा। वो देखो कहाँ ये भाई, ये धर्मेंद्र जी, ये अंकल जी है, ये अंकल जी। देखो ये हमारे अंकल जी हैं गिरधारी लाल जी, और मुझे एक अंकल जी ने बताया कि इनके साथ में पड़े भी हैं। और देखो भाई छप्पी पा के खड़े हैं धर्मपा जी। ये देखो दोस्तों, ये कितना पुराना फोटो है जी, ये देखो हैं। अच्छा अच्छा, ये कब का फोटो है, बेबी कब आए थे यहाँ? कैसे 8-10 साल पुराना फोटो है। अच्छा सनी देवल भी आए थे यहाँ? सनी देवल पा, सनी देवल जी वो नहीं आएगा अभी। तो दोस्तों अटल बिहारी जी, अच्छा अटल बिहारी जी के साथ में भी है जी। अच्छा अटल बिहारी जी भी मिल लिए। दोस्तों ये इनका घर है जी छोटा सा, और यहाँ मुझे बताया एक ने कि यहाँ पे मिले हैं और हैं जी जनता पार्टी जी के कन्वीनर थे जी। ये वार्ड सब हमारे अंकल जी को मिले हैं ना बाहर, ये छोटे छोटे। हाँ, ये सब मेरी बेटियों को। अच्छा अच्छा, अंकल को ऊपर के मिले हुए, ये अंकल को मिले हैं ना। ये देखो भाई सारे हमारे अंकल को मिले हैं, और ये अंकल जी उनके बहुत ज्यादा लौज रहे हैं। ये अंकल जी के पिताजी पापा नहीं, मम्मा माता जी बहने या दोनों? अच्छा अच्छा, ये देखो भाइयों बहुत पुराना फोटो है जी, और मैं अभी अंकल जी से बातचीत करूंगा, काफी दूर से आया हूँ भाइयों। और ये देख सकते हैं इधर साइड में हमारे अंकल जी बैठे हैं, तो उनके साथ में पड़े हैं, साथ में जीत पड़ा है। अच्छा अच्छा, कैसा लगा जी मग, कैसा लगा?
आज तो आपकी मर्जी, जाते रहे हैं जी जी। सन्नी वगैरह इनकी बहुत रिगार्ड करते थे, पांव छूते थे जी जी। तो जो दो तीन बार जा चुके हैं जी जी बीबी। देखो भाई तो सर जैसे अब भी चले जाते हो, जैसे मुलाकात अच्छा अच्छा। अब तो आपकी उम्र और धर्मपाल जी की उम्र बिल्कुल सेम सेम है ना? नहीं, मेरे से बड़ा है वो, 85 साल के है। अच्छा, वो आपसे कितने साल बड़े मान के चलो? नहीं नहीं, मेरे वो है ना 90 साल। अच्छा अच्छा, दोस्तों 5 साल बड़े हैं अंकल जी से, ठीक है जी। और इनके साथ में पढ़ाई पूरी की है उन्होंने अपनी, ठीक है, इन्हें यहीं पढ़े। तो यहाँ पे सनी देवल भी आए जी, सनी उनके लड़के जो बॉबी देवल, सनी देवल छोटे छोटे थे तब, छोटे छोटे आए थे। हाँ दोस्तों, यहीं पे यहीं पे रहे थे दोस्तों। चौंकाने वाली बात है भाइयों, दो बच्चे यहीं पे थे, उनकी मम्मा प्रकाश और यहीं पे बाद में दो बच्चों को यहाँ से लेके गए हैं। अच्छा, फिर मुंबई लेके चले गए थे। तो दोस्तों आंटी ने एक चौंकाने वाली बात बताई है कि धर्म पाजी के जो सनी देवल हैं उसका भी जन्म यहीं पे हुआ था, बॉबी देवल भी यहीं पे रहे, ठीक है। और वो मतलब यहाँ पे खेलते थे, यहाँ आंटी हैं, यहाँ भी आते थे, इस घर में भी आते थे। मेरी तो शादी बाद में हुई है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मेरी 67 में हुई है जी जी। तो बेबे उनकी मदर जब आते थे घूमने तो मेरी मदर इन से मिलते थे। अच्छा, आपकी मम्मी से मिलती थी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो वही तो। हाँ जी, तो दोस्तों हरियाणा तो तो दोस्तों देख सकते हैं आंटी बता रही है कि इनके जो सनी की जो मम्मी थी वो इनकी माताजी से मिलने आती थी, ठीक है। और भाइयों ये देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी औरत है। अच्छा अच्छा, सारी फैमिली बहुत बढ़िया है, आज भी फैमिली सारी अच्छी है। और दोस्तों देख सकते हैं, हाँ जी, कोई आपसे जुड़ी हुई बात हो जो आज भी याद हो, अंकल जी मगर कोई आपसे जुड़ी हुई बात आज भी याद हो जो आपके, हाँ बैठू बैठू, कोई जुड़ी हुई बात, कोई जुड़ी हुई बात आज भी जो आपके याद हो सनी देवल ये धर्मपाजी से? ओ भाई गल है काका, हाँ जी, ओदे पिता जी कोल सी बड़े हैं। हाँ जी, टीचर बताते हैं उनके मां। हाँ जी, कृष्ण जी सी के। हाँ जी, पढ़ाते सी। अच्छा, वो भी इस स्कूल में पढ़े हैं? हैं, धर्मपाजी भी इस स्कूल में पढ़े हैं? नहीं, वो पूरे पिताजी पढ़ाते थे। अच्छा, उनके पिताजी उनको पढ़ाते थे। दोस्तों धर्मपाजी के जो पिताजी थे वो उनको पढ़ाते थे, ठीक है। और ये हमारे गिरधारी लाल जी हैं, ठीक है जी। और ये इसका दो छोटा भाई था ना? हाँ जी हाँ जी, अजीत, वो हमारा क्लास फेलो था। अच्छा, क्लास फेलो थे। हाँ। अच्छा अच्छा, पानी भर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगता था आपको जैसे पिताजी मतलब टीचर थे, पिताजी टीचर थे तो कैसा लगता था आपको? आपको भी पढ़ाया उन्होंने पिताजी के? आप भी पढ़े उनसे? मैं पढ़ा। देखो दोस्तों ये भी पढ़े हैं उनसे। और जब धर्मेंद्र थे नटखट थे, जब जब पढ़ते थे आप नटखट थे मतलब शरारती थे, कैसे थे धर्मपाजी? हाँ। कैसे थे बचपन में, कैसे थे नटखट थे शरारती थे कैसे थे? नहीं, नटखट नहीं थे। और वो जाते थे यहाँ से लुधियाना। अच्छा अच्छा, मैं फिर उसको उसको ना बिमल राय है। हाँ जी हाँ जी, वो प्रोड्यूसर थे जी जी, उन्होंने बुला लिया। अच्छा, फिर मुंबई उन्होंने बुला लिया, उसको बुला लिया, उसको पहली फिल्म बदली में काम। अच्छा, दिया जी जी बदली। हाँ जी हाँ जी, तो उसके बाद फिर उसके बाद कहानी किस्मत की है, कई फिल्म कई पिक्चर आई, फिर तो कई है। शोले फिल्म बहुत कामयाब रही। अच्छा, शोले पिक्चर कैसी लगा आज तुम देख लो जैसे टीवी पे, शोले पिक्चर कैसी लगती है आपको आज जो देख लेते हो टीवी पे? बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। हाँ बेबे, आप भी देखी पिक्चर है? बेबे बेबे तुमने भी देखी पिक्चर आपने? अच्छी देखी, कैसे लगा जी? और जो हेमा मालिनी का रोल है वो कैसा लगा है? हेमा मालिनी का बहुत बढ़िया लगता है। वो बसंती का जो रोल है, बसंती चल धनो मेरी। देखो भाइयों, माँ जी भी देखती है। और ये माँ जी आपके लड्डू गोपाल दिखे सामने, ये छोटे से, ये इधर साइड पूरा परिवार। देखो भाइयों, माँ जी दिखाएगी पूरा परिवार, मैं पूरा परिवार देखूंगा भाइयों, माँ जी का लड्डू गोपाल देखूंगा। बेबे कहाँ से लिए तुमने ऐसे लड्डू गोपाल? कहाँ से लिए आपने लड्डू गोपाल? कहीं से नहीं लिए, मेरे पिताजी के सेवर। अच्छा, ये सारा परिवार है। हाँ, देखो ये लड्डू गोपाल देखो कितने सुंदर है भाइयों, देखो माँ जी के, ठीक है, ये देखो सारा परिवार है, बेबे बता रही है, ठीक है। जन्मदिन मनाते हो इनका बेबे? बिल्कुल सब कुछ मनाती हूँ। अच्छा, ये देखो इनका तो जन्म मेरे घर में हुआ। देखो भाई हाँ, ये बेबे एक मिनट, वो नीचे से लाइट जलाने बल्ब लाइट पहला ही बटन कितना सुंदर है जी, ये देख लो जी, ये राधा कृष्णा, ठीक है। और देखो ये माँ जी ने देखो कितना सुंदर ये लाइटिंग लगाई हुई है, ठीक है, देख सकते दोस्तों। बेबे आपके गुरु जी ये ऊपर ऊपर जो है ना गुरु जी आपके, तो दोस्तों ये माँ जी के गुरु जी हैं, ठीक है। तो और भी पिक्चरें देखती हो जैसे इनकी धर्मेंद्र? कुछ नहीं देखी। अच्छा, पहले देखी बहुत पिक्चरें हैं? कम देखी। अच्छा अच्छा,
तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैं आया, इन्होंने दिखाया फोटो, दिखाया मुझे पुराना, वो 8 साल पुराना फोटो है बीबी, है 8 साल पुराना कम से कम है। अच्छा तो जब मतलब हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे जब, तो जवान से लगे रहे थे। अच्छा अच्छा तो आपने सनी देओल, बॉबी देओल देखे अपनी आंखों से देखे, सनी बच्चे देखे, अच्छा बच्चे देखे छोटे, हाँ। सनी देओल बॉबी देओल तो देखे हुए हैं, हाँ, वे देखे हैं ना, हाँ, एक लड़की थी ईशा देओल उनकी बहन है जो, वो बाद में वो हेमा मालिनी से हैं, हाँ जी हाँ जी, ईशा और आयशा, हाँ जी वे हेमा मालिनी की लड़की है, हेमा मालिनी जी जी। तो दोस्तों ये जो दोनों लड़के थे ये उसके थे, क्या नाम था बीबी उनके माता जी का बताया, अच्छा अच्छा तो दोस्तों केवल कृष्ण, अच्छा केवल किशन, केवल कृष्ण, तो वे टीचर रहे बिबी ने बताया ना, हेडमास्टर किए थे केवल कृष्ण देओल, अच्छा हेडमास्टर थे बिबी, नहीं टीचर, टीचर थे भाइयों, हाँ। और दोस्तों अब चलते हैं जी हम, और अंकल जी से मिले, इनके टाइम के थे भाइयों, बड़े अपने फर्जित रहे हैं, और देखो भाइयों स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाया कर, स्कूल स्कूल जाया कर, स्कूल जाया कर, स्कूल नहीं जाता ये, ये देखो भाइयों और बहुत ही कुछ सीखने को मिला है मुंबई से, ये देखो भाइयों, ठीक है भाइयों, हेमा मालिनी देखी है, हेमा मालिनी देखी, कब देखी की थी, पीछे आई थी, हाँ जी, अच्छा इलेक्शन हुआ जब आई थी, हाँ जी, अच्छा गुरदासपुर में उनका सनी देओल कुछ है, सांसद है ना, सांसद गुरदासपुर से, गुरदासपुर से, गुरदासपुर से, सनी देओल है, अच्छा पहले विनोद खन्ना था गुरदासपुर से, दोस्तों पहले विनोद खन्ना साहब थे और फिर उसके बाद सनी देओल जी बन गए वहाँ पर सांसद, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि हेमा मालिनी कब, कितने साल हो गए, चलो 4 साल या 8 साल, कितने साल हो गए आपके अंदाजे से बाबा जी, हेमा मालिनी को आए हुए कितने साल हो गए, है बाबा जी हेमा मालिनी को आए हुए कितने साल हो गए, हेमा मालिनी को कितने साल हो गए, कितने साल हो गए हेमा मालिनी को आए हुए, क्या कर रहे हेमा मालिनी को कितने साल हो गए आए हुए, ओ पीछे इलेक्शन थी ना, 3-4 साल हो गए, अच्छा 3-4 साल हो गए जी, मंडी जाएगी, मंडी जाएगी जी, अच्छा यहाँ नहीं आए अपने पुराने मकान पे, जैसे हाँ उठे मीटिंग हो जाएगी, अच्छा 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 जब आई थी, हैं हाँ कौन से ट्रू पे थी, रैली भी आई थी, अच्छा देखो भाइयों जब आई थी हेमा मालिनी जी भी आई थी यहाँ पे, ठीक है यहाँ नहीं आई, यहाँ पुराने वाले घर पे नहीं आई थी, अच्छा अच्छा मंडी भी आई थी, तो मंडी भी थी, दान मंडी भी आई थी, ठीक है। और भाइयों उस टाइम पे हेमा मालिनी भी आई थी, और ये हमारे, अच्छा अच्छा, और ये हमारे गिरधारी लाल जी का मकान है जी, बड़ा ऊपर काम चल रहा, दिखाया अब जी ऊपर काम चल रहा, ऊपर काम चल रहा है, अच्छा ऊपर काम चल रहा है बेबे, ऊपर क्या बनवा रहे बेबे, ऊपर क्या बना रहे, कमरे बना रहे क्या, कमरे दो बनेंगे, अच्छा दो कमरे बनवा रहे ऊपर, एक और बनने जा रहा, अच्छा अच्छा लड़के क्या कर रहे हैं बेबे, तुम्हारे लड़के क्या कर रहा है, अच्छा लड़के लड़की हैं, अच्छा लड़की है, अच्छा अच्छा सर पढ़ी लिखी सब कामयाब कर दिया आपने, अच्छा अच्छा एमपी बने हैं ना, अच्छा अच्छा जी जी बाबा जी। तो दोस्तों अब चलते हैं भाइयों, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अब मैं चलता हूँ भाइयों, मेरा ठीक है जी, देख लो भाइयों इधर साइड भी कमरा है जी, और ये सनी देओल जी के जो धर्मेंद्र जी हैं उनके परम मित्र रहे हैं जी, ठीक है ये उनके घर है जी गिरधारी लाल जी का, इनके साथ में पढ़ाई की हुई है, ठीक है। और ये देख लो इधर साइड में एक छोटा सा किचन है, ठीक है ये देखो ये छोटा सा किचन है जी, ये देखो भाइयों, ठीक है। तो भाइयों मैं चलता हूँ, मैंने आपको दिखाया बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत यो इसमें खाना खाया करो बब्बू जी, ये देखो भाइयों ये कि यहाँ पे खाना खाया करते हैं बैठ के, और ये किचन हो गया, रसोई घर हो गया जी, ये चेयर देख लो कभी पुरानी सी है, पुरानी सी लग रही बब्बा, ये चेयर पुरानी दिखा है, पुरानी है भी पुरानी पुरानी है कुर्सी, अच्छा अच्छा देखो भाइयों कभी पहली है, और अब भाई मैं चलता हूँ बब्बी, राम राम है, राम राम बीबी, और अब चलते हैं भाइयों, राम राम जी।